हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सर आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से सोमेश्वर और चौकुड़ी। चौकुड़ी में एक वाटरफॉल है, आज मैं दिखाऊंगा, बहुत मस्त सा है। और अभी देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ से बालकनी का नज़ारा, मॉर्निंग का देख सकते हैं आप। नीचे कोसी नदी है बहुत, और ये देखिए। तो अभी कौसानी है यहाँ से 34, तो चलते हैं। और ठंडा बहुत हो रहा है दोस्तों, ये देखिए मॉर्निंग का व्यू। ये है मॉर्निंग की चाय हमारी, और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है अभी, ये कोसी नदी का, हमें पूरा इसी के साथ चलना है पूरे रास्ते पर। बहुत ही मनमोहक नज़ारा है ये। तो जोशी जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है, प्लान हमारा चौकड़ी जाने का है। बट देखिए रोड आगे को जा रही है, ये रोड हमें जहाँ ले जाएगी हम वहाँ उसकी तरफ मुड़ चलेंगे। हाँ हाँ और वैसे भी लाइफ में जो बेस्ट मोमेंट होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, चौकड़ी तक देखते हैं। और रास्ते में अगर कोई अच्छा व्यू मिल जाए जो लोगों ने ना देखा हो तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। चौकड़ी में है क्या वैसे? चौकड़ी हिल स्टेशन है उत्तराखंड का बहुत फेमस, और वाटरफॉल भी है क्या? वाटरफॉल। अच्छा, हमें हमें विश्वास से सूत्रों से पता चला है कि वहाँ एक वाटरफॉल है, बहुत सुंदर है, वहाँ जाने की कोशिश की। अभी खोज उस पिछले हफ्ते ही उसकी खोज हुई है उस वाटरफॉल की, तो आपने उस वाटरफॉल को कभी देखा नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कितना सुंदर वाटरफॉल है। तो हम चाहते हैं कि आपको सती माउंटेन ब्लॉग चैनल से ही वो वाटरफॉल के बारे में आप जान पाएंगे। चलो बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों, ये है गांव का एक नज़ारा, और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से नदी बह रही है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कोसी नदी है ये दोस्तों। ये देखिए, तो दोस्तों यह है यहाँ के खेतों का मनमोहक नज़ारा देख सकते हैं। और यह है गांव की लाइफ यहाँ पे, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी स्कूल चल रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों यहाँ गांव में क्या होता है ना, ऐसे देख रहे हैं आप पहाड़ों में, तो यहाँ बारी लगती है जैसे पलट बोलते हैं सर। और तो होता क्या है कि बेसिकली जैसे जिसकी, मान लो आपके आज खेत की बारी है, तो गांव के जो और महिलाएं हैं उनका जो ग्रुप होता है, तो इकट्ठे आज उसी के खेत में गोबर जो होता है खाद डालते हैं। तो देख सकते हैं मिलजुल के जो ये काम होता है आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ अभी कौसानी, और कौसानी से जो व्यू है अभी एकदम साफ देख सकते हैं आप हिमालय का। यहाँ से बहुत ही औसम व्यू आता है, जो लोग आए होंगे वो जानते होंगे कि बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। देखिए हिमालय, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ। तो यह है कौसानी का गार्डन रेस्टोरेंट, तो अभी हम यहीं ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। देखिए काफ़ी अच्छा है ये भी, साफ सुथरा और काफ़ी शानदार। तो इसमें हिमालय व्यू भी है, और ये है देखिए कुछ इस तरीके का। अभी ऊपर का भी दिखाता हूँ आपको, सामने दिख रहा है ये देखिए यहाँ से ये हिमालय का व्यू। तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं और सामने मस्त सा व्यू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यह है ऐपण, देखिए ये कुमाऊँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई ये पेंटिंग।
अभी जाएंगे हम ऊपर छत से, छत से दिखाएंगे आपको मस्त हिमालय का व्यू। दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं आपको छत से आगा जो व्यू है, ऐसे दिख सेम ही रहा है, कोई खास नहीं है। हमारे फोटोग्राफर लग चुके हैं अपने काम पे। तो दोस्तों जो ये सबसे पहला वाला है, ये है नंदा घूमटी, फिर ये है त्रिशूल, और फिर मैकतोली है, फिर क्या नंदा देवी, हाँ फिर नंदा देवी ईस्ट है, और फिर नंदा कोट है ये। तो ये पूरा ऐसा है सीरीज, मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा, देखना आप। और जो ये नीचे देख रहे हैं ये है बैजनाथ। आ चुका है हमारा लजीज ब्रेकफास्ट, ऊपर का वो बंदर पर बंदरों का आतंक है इसलिए नीचे ही से है खाने का, खाने नहीं देंगे ऊपर खाने नहीं देंगे कह रहे। कॉफी पियोगे ना तो? हाँ बैठो बैठो, तो दिन की शुरुआत करते हैं आप पराठे से और दही। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यह है कौसानी, और यह है कौसानी की मार्केट। डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर उत्तराखंड का, और यहाँ से इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। ये देखिए, तो अभी हम जाएंगे इस साइड को, बैजनाथ बागेश्वर इस साइड को ही पड़ेगा। चलो चलो इधर को जाना है। ये है बैजनाथ मंदिर सामने, और ये है बैजनाथ की लेक, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर एकदम मनमोहक नज़ारा। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको मंदिर, ये देखिए स्ट्रक्चर आपको लगभग सब सेम मिलेंगे। आप देखिए ये रहा पुल, बहुत ही सुंदर। और ये साथ में अभी जो है हिमालय दिख नहीं रहे हैं, यहाँ से ऊपर से दिखाई दे रहा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बैजनाथ मंदिर पे पुल पड़ता है, काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए ये क्या मज़े ले रहे हैं आप, देखिए हेलो, देखो क्या नदी पार कर ली इसने, पूरे मज़े ले रहा है ये नदी के। जिंदगी जी नहीं हो तो ऐसे जियो एकदम आज़ाद। हरा हरा इसका पानी, वही है हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना के बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो दोस्तों यह है बैजनाथ का एंट्रेंस, और यह है बगल में नदी, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नेचुरल व्यू, तो इतना प्यारा है यहाँ का कि क्या कहें। बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे गार्डनिंग भी बहुत अच्छी तरह कर रखी है। तो अभी दिखाता हूँ आपको पास से मंदिर का नज़ारा, और टूरिस्ट भी बहुत आ रखे हैं यहाँ, अच्छी खासी भीड़ है लोगों की, आपका इंतज़ार है यहाँ। तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री जो है मेनली है कि जब शंकर भगवान पार्वती जी से शादी करते हैं, तो शादी के लिए जब वो उसके बाद शादी करने के बाद कैलाश की ओर जा रहे होते हैं, तो कैलाश की ओर जाते टाइम यहाँ विश्राम करते हैं। तो ये जगह इसीलिए बैजनाथ के नाम से फेमस है। तो यहाँ शिव जी और पार्वती का जो रूप है वो जोड़े के रूप में है, और उनकी पूजा की जाती है यहाँ पे।
मोटा मोटा ये है यहाँ की हिस्ट्री। ये देख सकते हैं आप नज़ारा, बहुत ही मनमोहक। दोस्तों यह है ब्राह्मणी देवी का मंदिर और ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है, 12th सेंचुरी। और यहाँ पे नज़ारा बहुत गजब का है। जितने भी टेंपल देखे हैं मैंने तो उनमें मुझे सबसे सुंदर लगा ये। रीज़न ये है यहाँ पे लेक भी है साथ में, इस वजह से ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, आपको मनमोहक लगेगा एकदम। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरी नदी रोड के किनारे किनारे चलती है, तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें चलाने में यहाँ पर बाइक। ये ऐसा नज़ारा मिलता है, देख सकते हैं आप, मज़ा ही आ जाता है ऐसे नदी के किनारे किनारे चलने में। तो दोस्तों अभी एंटर कर चुका हूँ मैं बागेश्वर में और यहाँ से देख सकते हैं आप कपकोट 24 है और पिंडारी ग्लेशियर बहुत फेमस है। 42 किलोमीटर पैदल है और वैसे 57 है बाइक से। कांडा 24 चौकाड़ी 47 चौकाड़ी जाएंगे हम और अल्मोड़ा 72। पिंडारी ग्लेशियर भी बहुत फेमस है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है, हिमालयन की एक रेंज है बहुत बड़ी। देख सकते हैं बागेश्वर एक सुंदर घाटी। यह है दोस्तों बागेश्वर का मार्केट। देख सकते हैं पूरी मार्केट है बागेश्वर की, बहुत बड़ी मार्केट है। तो दोस्तों मैं हूँ बागेश्वर में और जो ये नदी आ रही है ये है सरयू नदी, और तो ये संगम है यहाँ पे, इसे बागेश्वर बोलते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुल है और यहाँ पैदल चलने वाला पुल भी है। दोस्तों ये है यहाँ से मुंशियारी 138 और बेरीनाग 58 कपकोट का रास्ता ये गया, ये 24 किलोमीटर है। और ये है अंदर की मार्केट बागेश्वर की। मैं इसलिए लाया हूँ आपको, उस टाइप का है यहाँ पुल के नीचे, ताकि इधर आपको जो पैदल पुल है यहाँ का वो दिखा सकूँ। देखिए यहाँ का पैदल पुल और ये है नदी का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत। ये देखिए लिखा हुआ आई लव बागेश्वर। देखिए दोस्तों छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ये और काफी खूबसूरत है। पर तो दोस्तों ये है कांडा का जंगल, अभी यहाँ से कांडा है 7 किलोमीटर और ये देखिए, सोचिए यहाँ आके अगर आप पिकनिक बना रहे हो तो कितना मस्त लगेगा। तो इस वक्त हूँ मैं कांडा बाजार पे और ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पेड़ है यहाँ पे। ये देखिए भूख से त्रस्त खत्म हो गया। क्या है ये? ब्रेड टोस्ट करवा रखा है, तो
तो ये देखिए बड़ा मस्त सा है, प्यारा सा। मैंने इस बार करा ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सा, और इसमें होम स्टे भी है। कितना है? 5800 रुपये पर नाइट। अच्छा, 5800 रुपये पर नाइट। आ गई हमारी मैगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ से नज़ारा, और ये है देखो खड़िया, खड़िया की माइनिंग है। देखिए खड़िया निकाला जाता है ऐसे, पूरा पहाड़ पे अलग ही शेप बन गया है, वाइट वाइट। देखिए हम पहुँच चुके हैं चौकुड़ी, और यहीं से वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है इधर को, अभी दिखाएंगे आपको। सुबह से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं कालीताल, और ये देख सकते हैं तालाब बीच में काफी गहरा है, तालाब में नहाना मना है, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए यहाँ नहाएंगे नहीं और देख के आएंगे बस। देख सकते हैं पानी तो यहाँ कम जैसा दिख रहा है, इस टाइप का है दोस्तों कुछ, ये पुल ये है, और ये है पानी। तो दोस्तों रोड से ये ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत पास है सामने। ये देखिए सुबह से इसका इंतज़ार चल रहा था सबको, पर दोस्तों ये 20-25 किलोमीटर का जो रास्ता था इतना छोटा और बेकार था कि हालत ख़राब हो गई और थकान सी लग गई, क्योंकि स्पीड बन नहीं रही थी और बहुत हल्के चलानी पड़ रही थी, क्योंकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ जा रही थी तो रुकना पड़ रहा था। ये देखिए तो ये है दोस्तों कालीताल, देखिए बहुत ही सुंदर। ये देखिए दोस्तों पास से, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए मनमोहक नज़ारा दोस्तों, बहुत इंतज़ार करवाया इसने हमें, फाइनली हमने ढूंढ लिया। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा है अभी फोटोशूट, और सुबह से जिस वाटरफॉल का इंतज़ार था फाइनली हम पहुँच गए हैं। यह है कालीताल, और यहाँ तैरना मना है, गहरा भी है ये, नहीं तैरे तो अच्छा ही है। आकाशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, आकाशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था लेकिन हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें टाइम से होटल भी लेना है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे लग रहा है बाघ के पंजे के निशान है, देखिए लगता है कोई बाघ चढ़ के गया। अरे ये तो अपना ही बाघ है। फाइनली तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं बेरीनाक, और शाम हो चुकी है, और अभी देख रहे हैं यहाँ होटल। तो बेरीनाक में देख रहे हैं अभी रूम कैसा है, एक बार देख लेते हैं फिर कंफर्म करके बताता हूँ आपको। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का है ये रूम, देख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ अभी बेरी नाग में चल रहा है सरदोसा और सुनने में आ रहे हैं यहाँ कैलाश के रहे हैं तो देख सकते हैं आप। फिलहाल हम थक चुके हैं तो अभी हम जा रहे हैं रूम पे क्योंकि हमें कल लंबा सफर तय करना है। तो बने रहिए सती माउंटेन बॉय के साथ।